अगर आप थैंक्स ऐप का इस्तेमाल करते हो और आपने पेमेंट करने की कोशिश किया है और ट्रांजैक्शन जो है पर फेल हो गया है, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में बात करने वाला हूँ कैसे आपका पैसा रिवर्स आएगा, इनकेस अगर नहीं आता है तो क्या क्या आपको स्टेप लेना है अपने पैसे को वापस लेने के लिए। इसलिए बस एक ही चीज़ मान रहा हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, बिना के भी स्किप मत करना यार, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, एयरटेल में हमें दो टाइप के ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, वो है एयरटेल वॉलेट और एक है एयरटेल पेमेंट बैंक। अब दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जहाँ पर एक पेमेंट बैंक है और एक वॉलेट है। अब दोनों तरीके से अगर आपने पैसा भेजने की कोशिश की और आपका हुआ ट्रांजेक्शन फेल, तो एक नॉर्मल ही एक चीज़ होता है जब भी ट्रांजेक्शन फेल होता है, तो यहाँ पर एयरटेल थैंक्स ऐप में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है हमें ट्रांजेक्शन आईडी देखने के लिए नहीं मिलता है। प्लस आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता कि यार इनके पेमेंट या सेटिंग्स या हिस्ट्री में जाके आप अपना ट्रांजेक्शन चेक कर सके कि हमारा जो पेमेंट है वो फेल हुआ है, प्रोसेस में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंस्टेंट ट्रांजेक्शन फेल होता है देर एंड से मैटर, उसके बाद आपका पैसा लेने के लिए आपको ये लोग रुला देते हैं। लिटरली आप रो दोगे भाई, समझ ही नहीं आएगा। बट मैं आपको इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बता दूंगा कि आपके पेमेंट को रिफंड की प्रोसेस और पेमेंट कब तक मिलने वाला है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाने वाला हूँ। सबसे पहला जो काम है, आपको वेट करना है 5 से 10 दिन, ऐसा आपको दिखने के लिए मिल जाएगा स्क्रीन पर ही, पर आपको वेट करना है एक्चुअली में 7 से 10 दिन तक, यानी 7 to 10 working days तक आपको वेट करना है अपना पेमेंट वापस आने के लिए। अब होता क्या है, पेमेंट को रिवर्स करने के लिए इतना आपको रुकना ज़रूरी है, एंड प्लस यहाँ पे 7 से 10 जो वर्किंग डे की मैं बात कर रहा हूँ वो है वर्किंग डे, यानी सैटरडे संडे या गवर्नमेंट हॉलीडे जो भी आता है उसे निकाल दीजिएगा, तो 7 से 10 working days के अंदर पैसा ऑटोमेटिकली रिफंड आपके पास आ जाता है, नहीं रिवर्सल हो जाता है। बट अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है वी केयर, यानी कि मैं यहाँ पे आपको एक मेल आईडी शो कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मेल करना है। एंड क्या मेल करना है ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। ये मेल आईडी पे आपको प्रॉपरली अपना पूरा इन्फॉर्मेशन इनको देना है, बिना कुछ चीज़ें स्किप करें आप ए टू जेड दे दीजिए। पर आपको मेल करने से पहले आपको ये बहुत जाना जरूरी है, आपको अपना रजिस्टर कैसे कराना ईमेल आईडी, आप ऐसे नहीं कि आप किसी को भी ईमेल कर, सबसे पहले जो काम है आपको अपना ईमेल आईडी है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा। कैसे करना है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया रजिस्टर करने के लिए, वो भी 4 ऐसे तरीके जिससे आपका काम ईजिली हो। उनसे अगर आपको जो मेल आता है उसमें अगर वो क्लियरली विजिबल होता है कि आपका जो पैसा है 7 से 10 दिन में वापस कर दिया जाएगा, तो नो डाउट आप बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हो। बट इनकेस आपका मैसेज आता ही नहीं है, इनका कोई भी रिप्लाई आता ही नहीं है, कोई केस आई टी जनरेट ही नहीं होता है, तो आपको अपने बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक का पासबुक ओपन करना है एंड देखना है कि रियली वो ट्रांजेक्शन गया है कि नहीं गया। अब देखिए होता क्या है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल आपको समझना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए अगर बैंक पैसा भेजता है एयरटेल वाले को, अब एयरटेल से आप एक एयरटेल आपका जस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप यूज़ कर रहे हो अपने बिल भरने के लिए या किसी को मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। बट प्लेटफॉर्म में होता क्या, कभी कभी सर्वर डाउन, या बोल सकते हो यार एक लाख ट्रांजेक्शन में 1 या 2 ही होंगे जो ऐसे एरर्स होते हैं। अब इस फेल ट्रांजेक्शन में सबसे बड़ा जो इशू होता है वो एयरटेल को लेके ही होता है, क्योंकि बैंक अपना काम अच्छे से कर लेता है। बैंक जैसे ही आपसे पैसा कटता है आपको मैसेज दे देता है, रिफंड आएगा तो भी पैसा आपको मैसेज दे देगा, बट एयरटेल आपको कहीं ना कहीं यार मतलब कुछ नहीं देता। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि आपको चेक करना है आपका जो भी बैंक है उसमें, आपको चेक कर लीजिए कि आपका पैसा जो कटा है कि नहीं कटा है, एंड 48 आवर्स में अगर वो रिफंड नहीं आता है तो आपको फिर 7 से 10 दिन रुकना पड़ जाएगा नो डाउट, क्योंकि वो हो गया एयरटेल की साइड से फेल ट्रांजेक्शन। अब बोल रहे हो यार मेल भी कर दिया हूँ कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, अब ये जो तरीका है ये जेन्युइनली काम करेगा एंड आपको इंस्टेंट वो लोग कॉल करेंगे, वो है आपको ट्विटर पे जाना पड़ेगा। यस गाइस, ये सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है एंड सबसे जल्दी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको टैग करना है, यानी कि उन्हें एयरटेल पेमेंट बैंक और एयरटेल केयर करके आपको 2 मिलते हैं, उन्हें आप टैग कर दीजिए एंड अपना प्रॉब्लम दे दीजिए, वो आपको बोलेंगे कि हमें DM कीजिए यानी मैसेज दीजिए। आपको बस मैसेज करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन उनको समझाना है और वो आपको वहाँ पर मदद कर देंगे। जो भी सीन है, जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आपको फेल ट्रांजेक्शन में बुक हुआ है, बैंक के साइड में इशू हुआ है, जो भी है आपको वहाँ क्लियरली वो बता देंगे। थर्ड प्रोसेस आता है, आपको अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला यहाँ पे एयरटेल में आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो एयरटेल वॉलेट का, एक है एयरटेल पेमेंट बैंक का। तो अगर वॉलेट का है तो आपको 1 to 1 फ़ोन करना है, एयरटेल पेमेंट बैंक का है तो आपको 400 पे फ़ोन करना है, एंड जैसे आप फ़ोन करोगे आपका पिन पूछेगा, तो ये सब रेडी रखना और स्टार्ट करना, बात करना कस्टमर केयर से, अपने प्रॉब्लम को बताना, वो सॉल्व कर देंगे। बट आपको यहाँ पर सबसे कन्वीनियंट मुझे तीनों में से लगता है मेल वाला, मेल करते ही आपको ईजिली हो जाएगा। जो स्क्रीन पर आपको मेल आ रहा है आप उसे देख सकते हो, ईजिली बहुत ही अच्छे से काम करेगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये होने के बाद आपका ट्विटर है, लास्ट कॉल है,
कोई भी एंगल से यार ये वीडियो आपको पसंद आता है एंड आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ एडिट के वीडियोस दिए हैं, जैसे मेन को कैसे रजिस्टर किया जाता है, थ्रू एंड सो डू चेक आउट दैट। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।